उसके पहले मुझे राहुल गांधी की एक टिप्पणी की मैं गंभीर भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है, और मेरे पास और शब्द हैं, इससे अधिक हम बड़े शब्द नहीं बोल सकते, पीड़ादायक। राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप हार की हताशा में इतने परेशान हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री पर गाली पड़ रहे हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार से जाकर के खिलाड़ियों के साथ स्नेह करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। आज भारत की टीम एशियाड में अच्छा कर रही है, ओलंपिक में अच्छा कर रही है, पैरा ओलंपिक में अच्छा कर रही है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, दे प्लेड वेरी वेल, ठीक है, हारजीत होती है। उसको लेकर इस शब्दों का प्रयोग उनके समर्थक पीएम के खिलाफ करें, और फिर राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें। राहुल गांधी माफी मांगे, भारतीय जनता पार्टी ये अपील तो करना, कुछ अपील शब्द का गरिमा होगा, हम उनसे अपेक्षा करेंगे तो माफी मांगे, वरना इस विषय को हम गंभीर बनाएंगे। राहुल गांधी नीड्स टू अपोलोजाइज। अरे राहुल गांधी, कुछ तो अतीत से सीखो आप। आपकी माता जी ने सब मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किया था ना, कांग्रेस पार्टी के नैया ऐसी डूबी गुजरात में कि आज तक ऊपर नहीं आ पाती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग आप क्या कर रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भारत की छवि दुनिया में कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। इट इज शेमफुल, कंडेमनेबल, डिसग्रेसफुल, एंड राहुल गांधी यू आर शोइंग योर ट्रू कलर एज टू व्हाट इज योर स्टेटस एंड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।